पूरे राममय है, पूरे देश, केवल हमारे भारत देश नहीं पूरे वर्ल्ड में राममय स्थिति है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो उसको लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है, उस दिन क्या करेंगे? जनवरी को यानी कि परसों अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसे लेकर लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है। इसी कड़ी में इस वक्त मैं सेक्टर 5 में हूँ, और सेक्टर 5 के जो तमाम लोग हैं और यहाँ की जो अक्षत वितरण समिति है, उनके द्वारा एक भव्य रैली निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम इसमें महिलाएं शामिल हैं और तमाम यहाँ के जो मोहल्लेवासी हैं वो भी शामिल हैं। ये रैली यहाँ से निकलकर पूरे सेक्टर एरिया में गश्त करेगा, और उसके बाद सेक्टर 4 में मंदिर में इस रैली का समापन होगा। तो आइए इस रैली को आपको दिखाते हैं, और तमाम महिलाओं से और भी लोग जो इस भव्य रैली में शामिल हैं उनसे बातचीत करेंगे। जाग जाए आप देख सकते हैं महिलाओं के बीच काफी उत्साह है और ये जोश लाजिम है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके बीच उत्साह का कितना माहौल है और इन्हें कैसा लग रहा है आज रैली निकाला जा रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सबको इतने सालों से जो इंतजार था हमारे भगवान का, वो अभी आ रहे हैं और हमको दर्शन देना है, दे रहे हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम घर घर दिया जलाएंगे, उत्सव मनाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। आज आज क्या कुछ तैयारी है, क्या क्या होगा? आज बहुत कुछ है, तैयारी है। हमारे आराध्य देव रामचंद्र जी की आज वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा का वो मनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तो अभी हुई नहीं है, वहाँ शुरू हो गई है अयोध्या में, तो उसी के उसमें पूरा ऑल इंडिया में हो रहा है, तो हमारे भिलाई में भी इसका देखने को मिला। तो दिवाली की तैयारी चल रही 4 दिन पहले से। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो उसको लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है, उस दिन क्या करेंगे आप? हाँ, बहुत कुछ तैयारी है। जैसे दिवाली की तैयारी होती थी, वैसे हम लोग की पूरी दिवाली की तैयारी है। दीपावली जैसे मनाएंगे, क्योंकि हमारे आराध्य देवता राम जी वहाँ पर अपने जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं, तो 500 सालों के बाद इंतजार खत्म हुई है, तो अपने देवता के लिए इतने लंबे समय का जो संघर्ष था वो खत्म हुआ और उसके बाद भगवान राम हम अपने वहाँ पर स्थान पे आ रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग 22 तारीख को जिस दिन रामचंद्र जी अपने स्थान पे जाएंगे, उस दिन अपने मंदिरों को बहुत सुंदर सजाए हुए हैं अभी भी, और उस दिन हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, दीप जलाएंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, बहुत उल्लास करेंगे। जय जय श्री राम। तो ये महिलाएं थे, इनके बीच काफ़ी उत्साह है। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम रैली की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ देर में रैलियाँ जो है वो निकलेंगी यहाँ से, और जो रैली है वो कहाँ कहाँ जाएंगी ये भी जान लेंगे। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी जी जो हैं भाजपा नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और क्या कुछ उत्साह है आपके बीच आज इस रैली में? देखिए, आज आप उत्साह तो आप खुद ही देख रहे हैं,
लगातार परसों का इंतजार है सबको 22 तारीख का, लेकिन उसके पहले एक महीना पूर्व से और आगे भी ये लगातार चलता रहेगा। पूरे राममय है पूरे देश, केवल हमारे भारत देश नहीं पूरे वर्ल्ड में राममय स्थिति है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो कहा सो किया, उन्होंने राम मंदिर वहीं बनाएंगे और उन्होंने बना के दिखाया बहुत कम समय में। लोगों की आस्था का ये है और हम लोग राम, हर घर है और हर के दिल में राम है, बिना राम क्या कुछ नहीं। राम मतलब पूरे देश में हम लोग सुख शांति समृद्धि, पूरे राम राज्य जो कहते हैं ना, राम राज्य आ गया है, ये लोगों का मानना है। 22 तारीख सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे। 22 तारीख को जगह जगह पूरे दिवाली की तरह पूरे शहर सज जाएगा। आप देखें अभी लगातार अभी से सजने लगे हैं, तब तो दिवाली उस दिन तो बड़ी दिवाली रहेगी सबकी। सभी को बधाई है, शुभकामनाएं हैं, हमारे काफी साथी आए हैं, सभी अधिकारी सबको शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ तुलसी जी थी, भाजपा नेता है और यहाँ की जो तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जब रैली यहाँ से स्टार्ट होगी निकलेंगी वो भव्य रैली भी हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेलवे तो निकल चुकी है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5 होते हुए पूरा गश्त करेगी और सेक्टर 4 में एक मंदिर है, वहाँ पर जाके इस रैली का समापन होगा। और हमने कोशिश की जो महिलाएं सम्मिलित थी रैली में उनसे बातचीत करने के लिए, और भी लोगों से बातचीत किया, जो भी कुछ इस रैली में भव्य था वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। इस तरह से और भी जो रैलियाँ होंगी हम कोशिश करेंगे उन्हें भी कवर करने की और आपको दिखाने की। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।